हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम 100 मीटर के बारे में बात करेंगे। आपको दोस्तों 100 मीटर रनिंग कैसे करना चाहिए। आपको अगर 11:50 की दोस्तों दौड़ लगानी है तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आज के वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, कौन से वर्कआउट करना चाहिए, स्टार्ट की प्रैक्टिस आपको किस तरह से करनी चाहिए। अगर आपको 11:50 की दौड़ लगानी है तो आपको स्टार्ट से लेकर फिनिश तक आपको किस तरह से रनिंग करना चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको दोस्तों स्टार्ट अच्छे नहीं होता, अच्छे से वर्कआउट नहीं करते दोस्तों, आपका टाइम ही नहीं आएगा। अगर आपको 11:50 की दौड़ लगानी है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, स्टार्ट अच्छा लाना चाहिए, रनिंग के एक्शन परफेक्ट चाहिए, फिनिश अच्छा चाहिए। तो इसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 100 मीटर अच्छा लगाने के लिए दोस्तों आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों प्रैक्टिस करने से पहले आपको सबसे पहले दोस्तों डाइट स्ट्रेचिंग फुल बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग करना चाहिए, आपको बॉडी को फुल वार्म करनी चाहिए। दोस्तों 100 मीटर अगर हमें अच्छा करना है, 11:50 की दौड़ लगानी है तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। आपको सबसे पहले लाइटली जो स्ट्रेचिंग है उसके बाद वार्म एक्सरसाइज है, फुल्ली वार्म अप को करना है। और ये अगर आपको अच्छे से टाइम लाना है तो ये आपको कंपलसरी हर रोज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी बॉडी अच्छे से खुलती है और आपका जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छा होता है। इसलिए आपको लाइटली स्ट्रेचिंग जो वार्म एक्सरसाइज है, नॉर्मल ABC है, स्ट्राइड है, वो आपको करना ही करना है। वार्म अच्छी तरह से करना चाहिए और फिर बात आती है वर्कआउट की। और वर्कआउट में दोस्तों आप स्पीड वर्कआउट करें, उसमें आपको इस तरह से हाथों को सामने रख के शॉर्ट हनी करें, ये सभी स्पीड वर्कआउट आप करें ताकि आपका स्पीड अच्छे से बढ़ेगा। उसके बाद आपको इस तरह से माउंटेन क्लाइंबिंग करना है, इससे आपको दोस्तों काप में अच्छे से पावर बढ़ती है, लेग में स्ट्रेंथ बढ़ती है और हाथों में भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर आप इस वर्कआउट को स्पीड से करोगे, अच्छे से करोगे दोस्तों, आपका 11:50 तक टाइमिंग 100% आएगा। आप इस सभी वर्कआउट भी दोस्तों अच्छे से करें और उसके साथ दोस्तों आप ABC भी करें। ये जो मैंने अभी स्पीड वर्कआउट आपको बताया, ये जो ABC एक्सरसाइज है और जो हम ABC करते हैं वो आपको सिर्फ स्पीड में करना है। दोस्तों ये जो मैंने अभी वर्कआउट बताया उसको आपको स्पीड में ही करना है। ये जो सभी एक्सरसाइज जो उसके साथ ABC में हाई नहीं होगा, उसके साथ भी स्किप होगा, ये जो मैं हाई नहीं कर रहा हूँ, ये दोस्तों आपको अगर स्पीड से आप करोगे तो आपके लेग में स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसके साथ आप हार्डर वर्कआउट भी करें, आपको इस तरह से हर्डल लगा के आप इस पर जंप लगा सकते हो। और दोस्तों ये सभी अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपका जल्दी दोस्तों 11:50 तक टाइम आएगा। फिर आगे देखते हैं। और दोस्तों आपको रनिंग सिर्फ टॉप पर करना है। आपको रनिंग करते हो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आपकी आपको आपकी बॉडी स्ट्रेट रखनी चाहिए। और दोस्तों आपको स्ट्रेट बॉडी रख के आपको दोस्तों रनिंग के एक्शन हैंग अच्छे से स्विंग करना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, आपको जब आप 100 मीटर का स्टार्ट करते हैं तब आपको इस तरह से बैठ के करना है। और दोस्तों आपको स्टार्ट फास्ट ही करना है, आपको अच्छे तरह से बैठना है और क्लैप बजने के बाद आपको स्पीड से जाना है। और इम्पॉर्टेंट बात आपको दोस्तों सिर्फ टो पर नहीं करना है, आपका सिर्फ टो नीचे रखना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपको सिर्फ टो पर रनिंग करना है और हाथों से फास्ट चलना है, हाथों को भी फास्ट चलाना है। और यहाँ पर आपको 20 मीटर आपको झुक के रनिंग करना है और 20 से 25 मीटर के बाद आपको खड़े रहना है और खड़े रह के आपको रनिंग करना है। आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि आपको हाथ को अच्छे से स्विंग करना है और टो पर रनिंग करना है और आपकी बॉडी स्ट्रेट चाहिए, आपकी नॉर्मल आगे झुकनी चाहिए इस तरह से। और जब आप फिनिश करते हो और फिनिश जब आप करते हो तब दोस्तों आपको फिनिश में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको चेस्ट को आगे ले जाना है। आपको दोस्तों स्पीड से फिनिश करना है, आपको फिनिश से पहले आपको स्टॉप रनिंग स्टॉप नहीं करना, आप जब फिनिश हो जाता है तब आपको रनिंग स्टॉप करना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका जो टाइम हो तो 100% 11:50 आएगा। दोस्तों इस तरह से आप प्रैक्टिस करना, आपका टाइमिंग 100% कम आएगा, आपका आप 11:50 तक की दौड़ लगा सकते हो इस तरह से प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो। दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना ताकि हर एक बंदे को इस वीडियो का फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।